हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें और आप हर वो मुकाम हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हैं, और आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें। सबसे पहले बच्चों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSE क्लास 10th और क्लास 12th के टर्म वन एग्ज़ाम दे चुके बच्चों के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट कब आ रहा है, आपको किस तरीके से पता चलेगा, कौन कौन देख पाएगा, कैसे आप देखेंगे, और साथ ही में टर्म टू एग्ज़ाम के बारे में इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं, क्योंकि आज ही मैंने बात की है CBSE के कुछ ऑफिशियल से, जिनसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिली हैं और ऐसी अपडेट्स मिली हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में सही साबित होने वाली हैं, और अभी तक आपको वो अपडेट्स नहीं मिली होंगी बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्म वन एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में। अगर आप प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हैं तो टर्म टू एग्जाम के बारे में जो अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमें ये बता दीजिए कि आप हमारा वीडियो इस नौ वर्ष में कहां से देख रहे हैं, किस जगह पर हैं और वहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों बात CBSE के टर्म वन एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। हम आपको बता दें कि CBSE की तैयारी पूरी है, आप लोगों की पूरी कॉपी चेक हो गई है और लगभग आप लोगों का स्कोर कार्ड का प्रोसेसिंग हो रहा है, स्कोर कार्ड तैयार हो रहा है। चूँकि CBSE ने पहले भी कहा था कि इस रिजल्ट में जो अभी हम जारी करेंगे उसमें ना कोई पास होगा, ध्यान से समझना, ना कोई पास होगा, ना कोई फेल होगा और ना किसी का कंपार्टमेंट आएगा। तो बच्चों बात सही है, इसमें सिर्फ आपको स्कोर बताया जाएगा, उसका परिणाम क्या रहा ये नहीं बताया जाएगा। मतलब अभी जब टर्म टू का एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट बनेगा, दोनों के नंबर जुड़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपका कंपार्टमेंट आया है या आप पास हो गए हो या आप फेल हो गए। तो सबसे पहली बात कि ये डेट क्या है, कब तक पता चलेगा। आज जो मुझे पता चला है बच्चों, आपको CBSE सेकेंड वीक में आपका स्कोर कार्ड जनवरी के जारी कर देगी। इस वीक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी, आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आएगा, लेकिन सेकेंड वीक में आपको आपका स्कोर कार्ड पता चल जाएगा। और सेकेंड वीक में तो और चीज़ें होने वाली हैं बच्चों, वो मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा, उसको देखना। स्कोर कार्ड जब जारी होगा तो आप खुद से नहीं चेक कर पाओगे। सबसे पहली बात, जो स्कोर कार्ड जारी होगा आपके स्कूलों के लिए जारी होगा, स्कूल वाले आपके स्कोर कार्ड को अपने पोर्टल पर लॉगिन करके देख पाएंगे। हेलो बच्चों, हम सब एक नए ईयर 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 365 दिनों में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको अपनी चॉइसेस से सही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और पहला कदम बढ़ाना है अपनी गोल्स की तरफ। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लाया है आप सबके लिए स्पेशल 22% ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन ऑफर। यह ऑफर 1st to 3rd January तक के लिए वैलिड है, जिसमें आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 22% ऑफ पर। इसी के साथ अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 to 10th IIT JEE नीट UG स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स जीतने का। यह 1 घंटे का टेस्ट 23 January और 29 January को तथा 6 और 13 February को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख रुपए तक। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 January और 13 February को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड्स जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मेरा कोड GEA यूज करें फ्री में एनरोल करने के लिए, और साथ में 10% ऑफ भी मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। लेट्स मतलब इंडिविजुअली चेक करने का ऑप्शन नहीं होगा, और हो सकता है अभी वैसे CBSE प्लानिंग कर रही है कि जैसे आप लोगों का रिजल्ट दिया जा रहा था उस तरीके की व्यवस्था हो जाए। अभी फिलहाल उस पर बात नहीं बनी थी, ये हुआ था कि स्कूलों में रिजल्ट भेज दिया जाए, स्कूल वाले बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन एक तबका ये है जो ये मांग कर रहा है कि बच्चे भी देख सकें, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से बच्चे अब थोड़ा सा दूर दूर हो गए हैं, अपने स्कूल नहीं जा सकते हैं, या स्कूल में थोड़ा डिले पता चलेगा, और आपको तो पता ही ना कि एक्साइटमेंट रहती है। तो इस वजह से CBSE और रीजनल ऑफिसर्स के साथ में कोलैबोरेशन में है कि हाँ, मतलब हम ऐसा भी कुछ व्यवस्था कर पाएं। फिलहाल अभी जो सूचना है कि वो स्कूलों के माध्यम से ही शायद आप देख पाएंगे। अगर व्यवस्था बन जाती है तो 2-3 दिन में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। टर्म टू एग्ज़ाम देने वाले जितने भी बच्चे हैं वो पिछले कुछ दिनों से डराए जा रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डराए जा रहे हैं क्योंकि यार टर्म टू में कुछ
खरीदना भी तो पड़ेगा आपको, ढेर सारी किताबें लोग छाप रहे हैं, ढेर सारी स्टडी मटेरियल आने वाली है, तो डराएंगे नहीं भैया, तो बिकेगा कैसे? सबसे ज़्यादा तो हमारे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों को डरा रहे हैं। टर्म वन एग्जाम में जिन बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया, उन पर बहुत बड़ा प्रेशर है, घर वालों का भी, अपने फ्रेंड्स का भी, कि हमारा इतना बढ़िया गया, तुम्हारा इतना खराब गया। तो भैया जब वो डराएंगे तभी आप खरीदोगे, साफ साफ समझो। कोई भी चेंज CBSE ने टर्म टू के पैटर्न में नहीं किया है। टर्म टू का पैटर्न बस अभी यही नहीं कंफर्म हुआ है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा। सबसे पहली बात कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की संभावना 90% है, 10% संभावना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। क्यों है ऐसा मैं बताऊं, मैंने भी ये बात पूछी थी, उन लोगों ने कहा कि भैया ऑब्जेक्टिव हो जाता, लेकिन जो स्कूलों ने गड़बड़ झाला किया, स्कूल वालों ने जो गुल खिलाया है, उसकी वजह से हो सकता है कि CBSE इस बात को अलाउ ना करे कि एक बार हमने टर्म वन की परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाई, लोगों ने क्या क्या नहीं किया। और आपको तो पता ही होगा बच्चों कि CBSE को मूल्यांकन कार्य तक रोकना पड़ा। तो आप खुद सोचो CBSE वही वाला पेन क्यों उठाएगी, क्योंकि लोग एक बार तो सेट कर चुके हैं ना सारा चीज़ कि हमें चीटिंग कैसे करनी है, कैसे करवानी है, या बच्चों की हेल्प कैसे करनी है। तो CBSE इस मूड में नहीं है कि हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा करवाएं। CBSE इस मूड में है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कराओ, कॉपी को मंगा लो और जहाँ मन हो तहाँ चेक कराओ, किसी को पता भी ना चले, क्योंकि एक एग्ज़ाम में छीछा लेदर हो चुकी है और स्कूलों ने अपनी अपनी नाक कटवा ली है। CBSE के यहाँ तो सब ब्लैक लिस्टेड हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपका पैटर्न नहीं चेंज होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होने की संभावना ज़्यादा है, पेपर लिखने वाला होगा, लिख करके प्रैक्टिस करते रहना। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा पेपर पैटर्न CBSE लेकर के नहीं आएगी कि इस बचे हुए 2 महीने में तुम्हें वो समझ ले कि तुम बिल्कुल आइंस्टीन हो गए हो, नो नेवर, ऐसा इम्पॉसिबल है। कोई भी जो पैटर्न आएगा उसमें बस सारी चीज़ें वही होंगी, जितने क्वेश्चन टाइप्स तुम पढ़ करके आए हो, MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एसर्शन रीजन वाले होंगे और केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये तो आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो। कोई भी ऐसा पैटर्न CBSE लागू नहीं करने जा रही, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो रेगुलर है, पेपर खराब हुआ है, या जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका पहला टर्म का पेपर नहीं हुआ है, टर्म टू के आधार पे आपको पहले टर्म का भी पेपर का नंबर मिलना है, तो भैया आराम से आप स्कोर कर सकते हो, बशर्ते ढंग से पढ़ाई करो, लिख करके तैयारी करना, डायग्राम बना करके डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लो, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा लो, इसलिए क्योंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक बात और, आज भी मैंने ये बात पूछी और लोगों ने बताई कि भैया कुछ भी हो सकता है, CBSE अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती है, सबको बिना एग्ज़ाम के पास कर सकती है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो तुम अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ग्रुपिंग करोगे, बेकार है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। होगा क्या? आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा अगर कोरोना की वजह से पेपर कैंसिल हो गया, तो मैं बताऊं बच्चों, जब कोरोना खत्म होगा तब पेपर CBSE करवाएगी, क्योंकि आप लोग यूनाइटेड हो ही नहीं कि आपके लिए कोई मांग करे। और जब तुम खुद ही यूनाइटेड नहीं हो, देखो हमारे वीडियोस पे कितना लाइक करते हो, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे इंप्रूवमेंट, प्राइवेट और कंपार्टमेंट वाले हैं, और ये सपोर्ट करने वाले बच्चे नहीं हैं, इनको हर चीज़ शक की निगाह से देखना है। ये हमसे क्वेरी पूछते हैं, हम इनको बताते हैं और ये भाग जाते हैं, थैंक यू तक बोलने वाले बच्चे नहीं हैं। तो जब तुम इतने लापरवाह हो तो तुम्हारी मदद कौन करेगा मेरे भाई? तो तुम इंतज़ार करना, जब कोरोना ख़त्म होगा उसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, पास होगे तो पास होगे, नहीं तो फिर जानते ही हो कि क्या हुआ इस बार। बहरहाल नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ, ऐसा हो कि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें और ढंग से एग्ज़ाम पास कर ले जाओ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।